हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश कुमार दुबे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टेनिंग के बारे में, एच एंड ई स्टेन, हेमेटोक्सिन और ईओसिन स्टेनिंग के बारे में, जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में होता है। तो मैंने जो है आपको यहाँ तक बता दिया था कि ये जो प्लेट है ये स्लाइड वार्मिंग टेबल है। जब यहाँ पर डीप रेक्टिनाइज हो जाता है 30 मिनट बाद, उसके बाद जो हम स्लाइड को लेते हैं इस तरीके से स्लाइड रैक में, फिर इसको जो है हम रख करके, है ना, यहाँ से जो है हमारा स्टेनिंग चालू होता है। तो जैसे ही गर्म रहता है उसी समय जो है अपने को ये जाइलिन में डाल देना है। ये जाइलिन का 3 जो है हमारे पास रखे हुए हैं, जाइलिन फर्स्ट, जाइलिन सेकंड, जाइलिन थर्ड। तो इसमें जो है सब में 10-10 मिनट के लिए जो है हम रखते हैं, है ना। उसके बाद जो है 10-10 मिनट हम जल्दी से इसको स्टेनिंग करके आपको बता देते हैं। 10 मिनट इसमें रखना है, उसके बाद 10 मिनट इसमें रखना है, है ना। उसके बाद इस तरीके से ट्रांसफ़र करते जाना है 10-10 मिनट, है ना। जब ये पूरा 30 मिनट हो जाता है क्लियर, पूरा वैक्स जो है इसमें क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना, अच्छे से पूरा वैक्स रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो आप देख रहे हो, है ना, तो ये जो हमारा एल्कोहल का कंसंट्रेशन बना है, तो इसको जो हम कैसे बनाते हैं, कौन से एल्कोहल से, ये एथेनॉल है, है ना। एथेनॉल जो है एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, तो इससे जो है अपन कंसंट्रेशन सबसे पहले जो ये, तो यहाँ की जो वहाँ तक प्रोसेस जो होती है 70% तक, इसको अपन जो है क्या बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन जो बना हुआ है डिक्रीज, है ना। तो डिक्रीज कैसे है, एब्सोल्यूट से लेकर 70 तक बना हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को जो है टिश्यू के अंदर ले जाना है ना। तो ये किस कंडीशन में होता है, डिक्रीज कंसंट्रेशन पे, है ना। डिक्रीज कंसंट्रेशन का जो है ये बना हुआ है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसके बाद जो है 95, 80 और 70। तो इस तरीके से जो है अपन इसमें स्टेन करते हैं, तो ये हाइड्रेशन की प्रोसेस कहलाती है पूरी। तो हाइड्रेशन इस तरीके से अपन डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल से हाइड्रेशन करते हैं इस तरीके से, है ना। सब में जो है 2-2 मिनट के लिए रखते हैं इस तरीके से, इसको पास करते जाइए, है ना। तो ये स्टेनिंग की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती जाएगी। ये पूरा प्रोसेस जो है अल्कोहल से हो रहा है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है हमारा हाइड्रेशन का प्रोसेस यहाँ तक पूरा ये, उसके बाद ये लास्ट जो है 70 फिर 50 भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ तक जैसे ही कंसंट्रेशन अपना लो होते जा रहा है या डिक्रीज होते जा रहा है, उस तरीके से वाटर जो इसके अंदर इंटर होते जा रहा है। अब यहाँ तक प्रोसेस हमारा हाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन के बाद जो है अपने को रनिंग टेप वाटर में जो है स्लाइड को रखना है, है ना। रनिंग टेप वाटर पे वॉश करना है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये रनिंग टेप वाटर है, इसमें हम स्लाइड को रखते हैं 2 मिनट तक, इसमें 2 मिनट तक इसमें स्लाइड को रखेंगे, है ना। तो ये जो है हमारा रनिंग टेप वाटर में स्लाइड वॉश हो जाएगा। उसके बाद जो है ये होने के बाद जो है सबसे पहला जो है ये स्टेनिंग, है ना। तो इसको जो अपन प्राइमरी स्टेनिंग बोलते हैं। ये यहाँ पर हेमेटोक्सिलिन रखा हुआ है ना, ये हेमेटोक्सिलिन का जार है। तो हेमेटोक्सिलिन जो है करता क्या है, है ना, अब अपन यहाँ बात करते हैं। तो हेमेटोक्सिलिन का मेन काम जो होता है, जो भी सेल रहते हैं, सेल में 2 चीज़ें होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक जो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये हेमेटोक्सिलिन जो होता है ना, ये जो है न्यूक्लियस को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ये पूरा ब्लू कलर है। और हेमेटोक्सिलिन कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। तो ये जो है न्यूक्लियस को ब्लू कलर, न्यूक्लियस क्या होता है एक्चुअली में, एसिड होता है ना। तो और ये जो है एल्कलाइन, एल्कलाइन डाई है, तो ये क्या कहें, बेसिक डाई है ना, बेसिक डाई है। और न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, न्यूक्लियस क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है स्टेन करता है। तो इसमें अपन जो है 5 मिनट के लिए रख देते हैं इस तरीके से। 5 मिनट बाद जब हम निकालेंगे, पूरा ब्लू कलर का जो है स्टेन हो जाएगा न्यूक्लियस। उसके बाद जो है हम इसको निकाल करके जो है वॉश करेंगे रनिंग टेप वाटर में, रनिंग टेप वाटर में वॉश करेंगे 1 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद वॉश करने के बाद जो है नेक्स्ट जो अपना स्टेप आता है, ये 1% एसिड अल्कोहल, इसमें जो है अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है, जो ये हमारे पास स्लाइड है, अगर इसमें एक्स्ट्रा जो भी हेमेटोक्सिलिन स्टेन किया होगा न्यूक्लियस के अलावा अदर जो भी, तो उसको जो है ये 1% एसिड अल्कोहल क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसमें केवल 2 या 3 डिप मारना है, उसके बाद तुरंत जो है इसको टेप वाटर में रखना है। टेप वाटर में रखने के बाद इसको जो है अपने को ब्लूइंग करना पड़ता है। तो ब्लूइंग जो है हम अमोनिया वाटर से करते हैं एक्चुअली में, है ना। ये अल्कलाइन होता है तो ब्लू कलर अच्छे से जो है स्टेन हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली जो है ये टेप वाटर में ही ब्लोइंग कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो ये नॉर्मल जो वाटर होता है वो एल्कलाइन मीडियम में ही रहता है, इसलिए अपन इसी से ब्लोइंग कर लेते हैं। तो 2 या 5 मिनट के लिए अपन इसमें रखते हैं। उसके बाद ये ब्लोइंग होने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है ये होता है ईओसिन का, है ना। तो ये जो लिखा है ईओसिन, है ना, तो ये जो है ईओसिन का काम क्या है,
ईयूसिन जो है साइटोप्लाज्म को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। ये पूरा पिंक कलर जो है आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये साइटोप्लाज्म को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। अब साइटोप्लाज्म जो क्या होता है, बेसिक होता है, और ये ईयूसिन जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये स्टेन करता है, पूरे साइटोप्लाज्म को जो है पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हम टेप वाटर से इसको उठाएंगे और इसमें भी दो या तीन डिप मारेंगे, क्योंकि ये एसिडिक है तो इसलिए जो जल्दी से स्टेन पकड़ लेता है। इस तरीके से उसके बाद तुरंत जो है इसको हम वाटर में डाल देते हैं, रनिंग टेप वाटर में। उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करने के बाद ये इस तरीके से अपन इसको बाहर निकालेंगे और इस स्लाइड को जो है अपन क्या करेंगे, सुखाने के लिए रख देंगे। इस तरीके से जो है हमारा स्लाइड क्या हो जाता है, स्टेनिंग हो जाता है ना, पूरा स्टेन हो जाता है या कलर हो जाता है। तो जो भी इसमें जो है टिशू है ना, सेल्स से बना होता है टिशू, ये पूरा जो है क्या है, स्टेन हो गया या कलर हो गया। अब इसको सुखाने के बाद जो है लास्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद जो है हमें ये जो लास्ट जाइलिन हमारा रखा है ना, तो इसमें जाइलिन में इसको हम रखेंगे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जाइलिन में लास्ट में रखने के बाद जो है, जब हम ये स्लाइड को निकालेंगे सूखने के बाद, जब ये स्लाइड सूख जाता है तो अपन जो इसको क्या करते हैं, जाइलिन में इस तरीके से आप 2 या 3 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद इसको आप निकाल लीजिए, है ना। फिर इसको सुखाने के बाद, क्योंकि हमें इसको इसके बाद जो है माउंट करना है, तो माउंट करने कैसे, ड्राई माउंट, माउंटिंग जो क्लास था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसको ड्राई माउंट करना है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सुखाना पड़ेगा। गीला है तब अपने को माउंट नहीं करना है, ड्राई माउंट करते हैं हम लोग, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी में। इसके लिए इसको जो है अपन क्या करेंगे, रैक में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखने के बाद जो अपन माउंट कर देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आखिरी तक बताया, ये पूरा स्टेनिंग है, हेमेटोक्सिलिन और ईयोसिन स्टेनिंग, है ना। तो इस तरीके से जो है हिस्टोपैथोलॉजी में हेमेटोक्सिलिन और ईयोसिन स्टेन होता है।